युद्ध के लिए लगातार भड़का रहा नॉर्थ कोरिया। दक्षिण कोरिया में घुसे किम जोंग के सैनिक 15 दिन में तीसरी बार दक्षिण कोरिया में घुसपैठ, और पुतिन के दौरे के बाद घुसे उत्तर कोरिया के सैनिक। दक्षिण कोरिया ने वार्निंग देने के लिए फायरिंग की है। तो कोरियाई प्रायद्वीप पर किस तरह के हालात बन रहे, यहां पर भी एक देखिए, एक टेंशन का माहौल बन गया है पुतिन के विजिट के बाद से ही, और इस तरह के आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, इस तरह की वॉर ड्रिल्स की जा रही है, बयान भी सामने आ रहे हैं। तो नॉर्थ कोरिया भड़का रहा है जंग, ये आरोप लगाया जा रहा है, क्योंकि पुतिन की मौजूदगी के समय ही दक्षिण कोरिया ने यह कहा है कि उत्तर कोरिया के सैनिक उसकी सीमा में घुसे। इसके अलावा जो मॉक ड्रिल की जा रही है दक्षिण कोरिया की तरफ से अमेरिका के साथ, वो कहीं ना कहीं उत्तर कोरिया को भी खटक रहा है। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या जो रूस और यूक्रेन की जो जंग है, यानी कि यूरोप की जो युद्ध की आग है, वो दुनिया के दूसरे हिस्से में पहुंच चुकी है, क्योंकि ये तनाव अगर बढ़ता है तो आने वाले समय में तस्वीर कुछ और होगी। नॉर्थ कोरिया भड़का रहा है जंग, ये आरोप लग रहे हैं। जी हाँ, अगर देखें बड़ी बातें इसकी, तो 15 दिन में तीसरी बार दक्षिण कोरिया में घुसपैठ। उत्तर कोरिया ने DMZ बफर जोन बॉर्डर पार किया। पुतिन के उत्तर कोरिया दौरे के बाद सैनिकों की उकसावे की कार्रवाई, और सैनिकों को रोकने के लिए दक्षिण कोरिया ने की है फायरिंग बफर जोन के पास, मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की कोशिश, ये दक्षिण कोरिया की सेना का दावा है। टिक्कू सर, अब बहुत ही स्ट्रेट सवाल यह है कि क्या कोरियाई प्रायद्वीप पर स्थितियां ठीक नहीं लग रही? देखिए, ये जितना भी आप पिछले 2-4 दिनों में देख रहे हैं, पुतिन का नॉर्थ कोरिया का विज़िट, फिर वियतनाम का विज़िट, और अब उनका ईरान जाना, इसकी सबसे बड़ी वजह ये रही है कि जो अभी यूक्रेन ने एक पीस मीटिंग रखी थी ताकि वो किसी नतीजे पे पहुंच सके, रशिया को वो एक समझौता पेश कर सके, और वहाँ पर जो हुआ वो सब कुछ रशिया के अगेंस्ट हुआ। $15 बिलियन का उनको एड दिया गया, और अमेरिका का जो ये सबसे बड़ा फैसला था कि अमेरिका के हथियार जो यूक्रेन में है उनका इस्तेमाल रशिया की धरती पर किया जाएगा, ये दो चीज़ें जो है इससे पुतिन का जो है पुतिन के लिए थ्रेट बहुत बड़ा बन गया। वैसे भी अगर आप देखेंगे पिछले कई सालों से, जब से युद्ध शुरू हुआ है, साउथ में यूक्रेन और ऊपर में फिनलैंड, इन दोनों के बीच में सिर्फ एक छोटी सी जगह है बेलारूस, नहीं तो रशिया का जो वेस्टर्न फ्रंट और सदर्न फ्रंट है वो कम्प्लीटली घेरा हुआ है नेटो से। अब रशिया के लिए क्या ऑल्टरनेटिव है? रशिया के लिए यही ऑल्टरनेटिव है कि वो कुछ हद तक अपनी थ्रेट को कम करने के लिए अपने दोस्तों के साथ हाथ मिलाए, और सबसे बड़ा उसका दोस्त है चाइना, तो चाइना का सबसे बड़ा दोस्त है नॉर्थ कोरिया, तो चाइना ने मध्यस्थता करके पुतिन और नॉर्थ कोरिया की आपस में सुलह करा ली, और फैसला ये हुआ कि अगर दोनों के ऊपर किसी का हमला होता है तो वो माना जाएगा उसके ऊपर हमला है। हालांकि नॉर्थ कोरिया ने बिल्कुल क्लियर किया कि हम अपने ट्रुप्स नहीं भेजेंगे, लेकिन गन्स, आर्टिलरी, मिसाइल्स वगैरह नॉर्थ कोरिया जो है रशिया को देगा। एक बड़ी बात आपने कही कि ये पुतिन की तरफ से जो घेरेबंदी हो रही है, तो क्या ब्रिगेडियर शरदेंदु ये घेरेबंदी इसीलिए है कि पुतिन अपनी ताकत को रिजर्व कर सकें, कि अब जब वक्त पड़े, इमरजेंसी आए, तो ये तमाम मुल्क उसका सहयोग करें जहाँ जहाँ दौरा कर रहे हैं? देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा, जब पुतिन साहब का इस तरीके का दौरा करना, चाइना का, नॉर्थ कोरिया का, वियतनाम और आगे आने वाले दिनों में ईरान का, तो एक ये बैलेंस ऑफ पावर क्रिएट कर रहे हैं। अमेरिका का एक ब्लॉक है, उसके कई सारे सपोर्टर हैं, नेटो कंट्रीज है, इनको कैसे बैलेंस करना है मिलिटरली, पॉलिटिकली एंड पूरे वर्ल्ड फोरम में। अगर आपको अपना एग्जिस्टेंस को प्रूव करना और बताना है कि आप अमेरिका को काउंटर कर रहे हैं, तो आपको इस तरीके की लामबंदी करनी पड़ेगी। इसी के तहत पुतिन साहब जा रहे हैं, ये नहीं चाहते कि किसी भी तरीके से उनके एलाइज उनकी पूरी मदद या जरूरत पड़ने पे उनके साथ ना खड़ा रहे, और साथ में देखिए एक साथ में सिक्योरिटी एग्रीमेंट साइन करना है। इसकी मॉडलिटीज क्या है, नॉर्थ कोरिया और रशिया में क्या सिक्योरिटी का जो इशू है, क्या उन्होंने ऐसे एग्रीमेंट साइन किया, क्या उनका डायरेक्ट मिलिट्री इंटरवेंशन होगा अगर साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया पर अटैक करता है, किस तरीके की मदद दी जाएगी, कितने क्वांटिफिकेशन किया जाएगा, यह सारी चीजें दिखाता है। और जिस तरीके से देखिए S-400 की सप्लाई का वादा किया है नॉर्थ कोरिया, ये एक एयर डिफेंस सिस्टम है, ये नेशनाबूत करेगा सारी मिसाइल और रॉकेट्स को जो साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया पे दागेगा। एक सवाल दीपक वोरा सर आपसे इसी संदर्भ में, कि अमेरिका के का नेचर ऑफ वॉर अगर देखें, तो अमेरिका हमेशा ये कोशिश करता है कि युद्ध हो वो शामिल भी रहे लेकिन उसकी सीमाओं से दूर रहे, लेकिन क्या इस पूरे मामले में वो पॉलिसी फेल होती नजर आ रही है? धीरे-धीरे पुतिन जो है
अमेरिका की घेरेबंदी कर रहे हैं, ये वॉर एक्सटेंड हो रहा है, ये हीट जो है वो एक्सपैंड कर रहा है। अब तो हम देख रहे हैं कि जो लैटिन अमेरिकन कंट्रीज है, वहां की समुद्री सीमा है, वहां पर भी वॉर एक्सरसाइज पुतिन ने शुरू कर दिया। आप इसे कैसे देखते हैं? ये ब्रिलियंट एनालिसिस आपने किया। आपको याद होगा जब क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हुआ था, सोवियत संघ की न्यूक्लियर मिसाइल्स अमेरिका के तट के पास पहुंच गई थी, तो फिर वहां काफी तनाव हुआ, फिर अल्टीमेटली वो डीएस्केलेट हो गया। फिर जब हमला हुआ था ट्विन टावर्स पर न्यूयॉर्क में, जब पहली बार अमेरिका की धरती के ऊपर हमला हुआ, तो अमेरिकन बौखला गए थे, कभी नहीं देखा था। और अब अगर हमला होता है वो फिर बौखला जाएंगे, वो पूरी कोशिश करेंगे। नौसा, एक चीज मैं बताना चाहता हूँ, गिव मी अ मिनट, करोड़ों लोग ये कार्यक्रम देख रहे हैं। दूसरा विश्व युद्ध 50 देशों के बीच में लड़ा गया था और 1 करोड़ लोग मारे गए थे। हमारी इस धरती की आज जो जनसंख्या 800 करोड़ है, अगर तीसरा विश्व युद्ध होता है, हमने जो मॉडलिंग की है, 200 करोड़ खत्म हो जाएंगे और कोई इसका परिणाम नहीं होगा। देयरफॉर सर, ये तीसरा विश्व युद्ध होता है और चौथा विश्व युद्ध लड़ा जाएगा पत्थरों के साथ और डंडों के साथ। लेकिन सर इसमें एक छोटा सा रिएक्शन आपसे चाहूंगा, क्या इस पूरे प्रोसेस में आप अमेरिका को एक इरेस्पॉन्सिबल कंट्री की तरह देखते हैं, उनकी ये वॉर पॉलिसी जो भी रही है, या फिर उसने कहीं किसी तरीके से रिस्पॉन्सिबल बिहेव किया है? मैं तो ये समझता हूं कि ये जो बाइडेन है, उन्होंने इसको पर्सनलाइज कर दिया। देखिए, मैं रूस को कमजोर करूं और पुतिन साहब कहते हैं मैं रूस की ताकत बढ़ाते रहूंगा, बरकरार रखूंगा, इसलिए मैं सुरक्षा दूंगा रूस को। और दूसरी तरफ बाइडेन साहब कहते हैं मेरे लिए वोट करो, कोई उनके लिए वोट नहीं करेगा। अमेरिका की पॉलिसी टोटली कंफ्यूज्ड है। बाइडेन साहब बुढ़े हो चुके हैं, वो नहीं बनाते सर, डीप स्टेट जो हम कहते हैं CIA और डिफेंस डिपार्टमेंट बनाता है, और वो तो जंग के लिए तैयार है, शर्त ये कि वो जंग यूक्रेन में हो। क्या दीपक सर कंफ्यूजन में, अमेरिका की रणनीति के कंफ्यूजन में तत्परता भी दिखाई दे रही है, बौखलाहट जैसा कि आपने कहा,